नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार यादव परिवार जहां एक तरफ काफी दर्द भरे तौर से गुजर रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ राजनीति पर भी अपना ध्यान बनाए हुए है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बारे में। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। साधना गुप्ता ने 9 जुलाई के दिन गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। लंग्स में इन्फेक्शन हो जाने के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। आज वह हमारे बीच नहीं है और इस दर्द भरी घड़ी में मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हुए हैं उनके चारों ही बच्चे। जी हां, उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव, बहू डिम्पल यादव और बेटे प्रतीक यादव के साथ उनकी पत्नी अपर्णा विष्ट यादव। इस बीच देखने को मिल रहा है कि अपर्णा और डिम्पल एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है। भले ही साधना गुप्ता और उनके पहले पति के बेटे हैं प्रतीक यादव, लेकिन यहां पर अपने सौतेले भाई को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव और चारों ही एक साथ नजर आए साधना गुप्ता के अंतिम संस्कार में। इसी बीच देखा जाए तो डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने एक अलग ही फैसला लिया है। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव अब राजनीति पर ध्यान देते हुए क्या कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इस वक्त काफी दर्द भरे दौर से गुजर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में उनके दोनों ही बेटे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव उनके साथ खड़े हुए हैं। वहीं दोनों ही बहुएं डिंपल यादव और अपर्णा विष्ट यादव भी एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे का ख्याल भी रख रही है। इसी बीच राजनीति को ध्यान में रखते हुए कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर अपर्णा यादव काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर ना सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए तमाम फैसलों को वह शेयर करती हुई नजर आती हैं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी तस्वीरों को भी शेयर करती हुई देखी जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में डिंपल यादव ने पति अखिलेश यादव के साथ मिलकर एक अहम फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद अब अखिलेश यादव साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मिशन में जुट चुके हैं और अब वह मुस्लिम और यादव कोर वोट बैंक वाली पार्टी सपा के साथ अब वह सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सावन के महीने में उन्होंने घर पर अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ रुद्राभिषेक किया है। जी हां, बीते गुरुवार को जौनपुर में अखिलेश यादव ने कांवरियों को मिल रही सुविधाओं का समर्थन करते हुए कहा कि धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और सावन के महीने में वह अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में, सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक किया अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने और इस वक्त सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। बता दें आपको, अखिलेश ने कहा कि कांवड़ियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो अच्छी बात है, हम किसी भी सुविधा को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाते। धर्म पर राजनीति करने की बजाय अब सरकार को बेरोजगारी और महंगाई दूर करने को लेकर काम करना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अपर्णा विष्ट यादव अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ अखिलेश और डिंपल एक बार फिर से रणनीति बनाते हुए देखे जा सकते। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से अब हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। जी हां, अखिलेश यादव ने अपने घर पर रहकर रुद्राभिषेक किया अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ और इस वक्त ये तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल देखा जाए अखिलेश यादव काफी अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव तो उनसे नाराज हैं ही, लेकिन दूसरी ही तरफ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के भाजपा में शामिल होने की खबरें भी आ रही हैं और इस बीच अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।